एक संस्था जो खुद को राजनीति से दूर बताती है, लेकिन विरोधी उसकी आलोचना ये कहकर करते हैं कि वो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को कंट्रोल करती है। एक संस्था जो खुद को संयम, धैर्य, सहनशीलता, अनुशासन और राष्ट्रवाद का पर्याय बताती है। एक संस्था जो खुद को हिंदुत्व के लिए समर्पित बताती है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की। शनिवार को संघ के नंबर 2 का ऐलान किया गया। सुरेश भैया जी जोशी के जगह दत्तात्रेय होसबाले को संघ के सरकारवाह की जिम्मेदारी दी गई। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप अनकट देख रहे हैं। संघ के संस्थापक हैं डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। उन्होंने नागपुर में 1925 में संघ की शुरुआत की। RSS की देश भर में 37,000 से ज़्यादा जगहों से करीब 59,000 से ज़्यादा शाखाएं संचालित होती हैं। देश में RSS के लगभग 60,00,000 सदस्य हैं। देश के लगभग 95% हिस्से पर संघ की मौजूदगी है। नागालैंड, मिजोरम और कश्मीर के कुछ पॉकेट को छोड़कर देश में लगभग हर जगह संघ की उपस्थिति है। 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद संघ की शाखाओं में 30% की वृद्धि हुई है। 2014 में 29,614 स्थानों पर संघ की 44,982 शाखाएं लगती थी। RSS की सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार से बेंगलोर में शुरू हुई। इस बैठक में संघ के नंबर 2 का फैसला होना था। शनिवार को सर्वसम्मति से दत्तात्रेय होसबाले को सरकारवाह की जिम्मेदारी दी गई। अब 2024 के चुनाव तक ही नहीं बल्कि 2025 में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के दौरान भी RSS के संगठनात्मक ढांचे का कंट्रोल होसबाले के हाथों में रहेगा। अब तक सुरेश भैया जी जोशी 2009 से सरकारवाह की यानी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। 3 साल पहले 2018 में ही उन्होंने पद छोड़ने की पेशकश की थी, पर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनकी इस पेशकश को नामंजूर कर दिया गया था। अब सवाल है कि सरसंघचालक के होते हुए सरकारवाह की क्या भूमिका होती है, यह समझने के लिए आपको संघ की व्यवस्था को समझना होगा। संघ प्रमुख या सरसंघचालक के लिए चुनाव नहीं होते। संघ प्रमुख अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करते हैं। KS सुदर्शन ने मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत की नियुक्ति की थी। अगर हम संघ प्रमुख की बात करें तो प्रमुख की भूमिका संघ के अंदर सिर्फ गाइड यानी मार्गदर्शक की होती है। संगठन का सारा कामकाज सरकारवाही देखता है। अभी जान लेते हैं कि सरकारवाह की नियुक्ति कैसे होती है। हर 3 साल में होने वाली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में यह तय होता है कि सरकारवाह कौन होगा। सरकारवाह का चुनाव आमतौर पर 3 दिन की बैठक में दूसरे दिन होता है। इस साल या 2 दिन की मीटिंग में दूसरे दिन हुआ। आमतौर पर सरकारवाह अपने कार्यकाल में किए गए कामों की जानकारी देता है, साथ ही सूचना देता है कि उसका कार्यकाल अब खत्म हो चुका है, इस वजह से नया सरकारवाह चुना जाना चाहिए। तब वरिष्ठ स्वयंसेवकों में से किसी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाता है। कोई वरिष्ठ नेता नए सरकारवाह के नाम का प्रस्ताव रखता है। यह नाम आमतौर पर स्वीकार कर लिया जाता है और सरकारवाह को निर्वाचित घोषित किया जाता है। चुने जाने के बाद नया सरकारवाह ही अपनी टीम की घोषणा करता है। शनिवार को भी इसी तर्ज पर दत्तात्रेय होसबाले को उसका नाम सामने आया, जिस पर सभी ने सहमति दी। सरकारवाह को चुने जाने की मौजूदा प्रक्रिया 1950 के दशक में अपनाई गई। आपातकाल यानी 1975 से 77 में आपातकाल के चलते और 1993 में संघ पर प्रतिबंध के चलते चुनाव नहीं हुए थे। होसबाले के सफर की बात करें तो 1 दिसंबर 1955 को कर्नाटक के शिमोगा में जन्मे। इन्होंने इंग्लिश में MA की पढ़ाई की। दत्तात्रेय 1968 में 13 वर्ष की आयु में संघ स्वयंसेवक बन गए और 1972 में संघ की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। अगले 15 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहे। 1975 से 77 के बीच JP आंदोलन में भी सक्रिय थे और लगभग 2.25 वर्ष मीसा के तहत जेल में भी रहे। विद्यार्थी परिषद के अलग अलग पदों पर रहते हुए पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक उन्होंने काम किया। 2004 में संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाए गए। 2008 से संघ के सह सरकारवाह के पद पर थे। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। कई राजनीतिक विश्लेषक इनकी नियुक्ति भाजपा के मिशन साउथ से भी जोड़कर देख रहे हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।